नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का इस लाइव सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस लाइव सेशन का विषय रहेगा पशुओं में बांझपन। इसमें हम जानेंगे पशुओं में बांझपन के कारण एवं उपाय। इन सभी जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन कुमार जैन, जो कि एक सहायक प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक भी हैं। नमस्कार सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण सवाल से करना चाहूंगी कि पशुओं में बांझपन के क्या कारण है। जैसे कि शब्द है बांझपन, बांझपन कई कारण से हो सकते हैं और ध्यान न देने पर ये और जटिल हो जाते हैं। बांझपन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि गर्भधारण ना होना या बच्चे को जन्म देने में असफलता होना। वैसे तो बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं: मादा में कुपोषण होना, संक्रमण होना, जन्मजात दोष होना, प्रबंधन में कमियां, हार्मोनों का असंतुलन, योग चक्र का असंतुलन इत्यादि। अगर हम यौन चक्र की बात करें, जिसे हम ईस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं, गाय या भैंसों में यह यौन 18 से 21 दिनों में एक बार 18 से 24 घंटे के लिए होता है। अगर हम भैंस की बात करें तो यह यौन चक्र चुपचाप तरीके से होता है। पशु पालकों को सुबह से देर रात तक 4 से 5 बार जानवरों की सघन निगरानी करनी चाहिए। यौन या उत्तेजना का गलत अनुमान बांझपन के स्तर में वृद्धि कर सकता है। पशुओं में उत्तेजना या गर्मी के लक्षणों का अनुमान लगाना बहुत ही कुशलतापूर्ण कार्य है। इस कार्य में निपुण पशुपालक पशुओं में गर्भधारण के प्रबंधन के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। सर, आगे किसान साथी जानना चाहते हैं जो गाय भैंसों में रिपीट ब्रीडिंग है, सर ये क्या है, इसके बारे में आप कृपया हमें बताएं। जैसे कि आप शब्द का प्रयोग किया, रिपीट ब्रीडिंग। जी सर, रिपीट ब्रीडिंग यह अंग्रेजी का शब्द है, जिसमें रिपीट का अर्थ होता है बार बार और ब्रीडिंग का अर्थ होता है प्रजनन। जी सर, ऐसे पशु जिनको कि हम सर्विस या गर्भधारण की क्रिया करते हैं, उनको हम बार बार वह हीट के लक्षण तो दिखाते हैं परंतु वह गर्भधारण नहीं करते। ऐसे पशुओं को हम रिपीट ब्रीडर बोलते हैं और इस बीमारी को हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। सर रिपीट ब्रीडिंग के क्या कारण है। जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात करी कि हर बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से रिपीट ब्रीडिंग के कारण हो सकते हैं। इसमें से प्रथम कारण है अनुवांशिकता, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं या जीन्स बोलते हैं या डीएनए के थ्रू आती है। इसमें माता पिता से कुछ बीमारियां बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। ऐसे बीमारियों को हम अनुवांशिक बीमारी भी बोलते हैं। दूसरा एक कारण होता है आयु। प्रजनन क्षमता आयु के साथ साथ कम होती चली जाती है। जितना ज्यादा आयु जानवर की होगी, ऐसी समस्याएं उसमें आने की संभावना उतनी ज्यादा। तीसरा कारण की बात करें तो गर्भाशय का संक्रमण, जिसको हम यूट्रस में इंफेक्शन भी कहते हैं। गर्भाशय में संक्रमण प्रजनन संबंधी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। गर्भाशय में संक्रमण होने से गर्भाशय का आंतरिक वातावरण बिगड़ जाता है, जिससे गर्भाशय सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता और प्रजनन संबंधी अनेक बीमारियां जैसे कि एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस आदि बीमारियां देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ उच्च भ्रूण मृत्यु दर का कारण भी बनता है। इसके साथ ही हम और कारणों की बात करें तो प्रजनन अंगों में जन्मजात दोष होना भी एक मुख्य कारण है। इन अंगों का शारीरिक या कार्यात्मक, जिसे हम फंक्शनल डिफेक्ट भी कहते हैं, के कारण हो सकते हैं। इसके कारण भी गर्भ धारण करने में असफलता होती है और कई बार प्रजनन संबंधी व्याधियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एक कारण होता है ओवरी के कार्य में कमी। ओवरी के कार्य में कमी के कारण भी रिपीट ब्रीडिंग के केस आपको मिलते हैं। ओवरी के कार्य में कमी होना या ओवेरियन सिस्ट, सिस्ट एक फफोले आकार नुमा होता है जो ओवरी के ऊपरी त्वचा पे कई बार हो जाता है और यह रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को आगे बढ़ाता जाता है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम एआई के नाम से भी जानते हैं और कृत्रिम गर्भाधान के नाम से भी जानते हैं, जी एआई या कृत्रिम गर्भाधान में भी गलतियां या सावधानी ना बरतने के कारण भी प्रजनन संबंधी समस्या देखने को मिलती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है पोषकता। पोषकता में कमी किसी भी बीमारी को जनित करती है। शरीर में पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है एवं इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विभिन्न बीमारियां देखने को मिलती हैं। प्रजनन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने पर भी गर्भाधान संबंधी समस्या या बीमारी उत्पन्न हो सकती है। जी तो सर आगे हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं कि सर मौन हीटिंग क्या है, या जिसे हम मौन गर्मी कहते हैं गाय भैंसों में, तो उसके बारे में हमें बताइए। मौन गर्मी को अगर हम बोले, मौन गर्मी अगर अंग्रेजी में बात करें तो उसको साइलेंट हीट भी बोलते हैं। जी सर साइलेंट हीट का अगर हम बात करें, इसमें दो शब्द हैं, एक है साइलेंट, एक है हीट। साइलेंट का अर्थ होता है चुपचाप। जिन पशुओं में गर्मी या उत्तेजना के लक्षण गहरे रूप से देखने को नहीं मिलते, ऐसे लक्षणों को हम साइलेंट हीट कहते हैं। साइलेंट हीट में पशुओं में उत्तेजना या हीट के कई संकेत या व्यवहारिक लक्षण नहीं देखने को मिलते और यह लक्षण भी अल्प अवधि के लिए होते हैं। जी तो सर इसके क्या कारण हैं? मुख्यतः इसमें हार्मोन के इम्बैलेंस कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में प्रजनन संबंधी हार्मोन मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन में कमी के कारण होती है। पशुओं में प्रजनन संबंधी मुख्यतः दो हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन गर्मी या उत्तेजना या ईस्ट्रस को उत्पन्न करता है एवं प्रोजेस्टेरोन गर्भ धारण करने में मददगार होता है। इन दोनों हार्मोन का कार्य एवं अनुपात निश्चित होने पर ही गर्मी या प्रजनन संभव हो सकता है। जी सर आगे हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं, ये जो पशुओं में समस्या है बांझपन की, तो सर उसका बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव मुख्यतः हमने आपको बताया, किसी भी बीमारी के अगर हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो जी सर सर्वप्रथम हमारा कार्य होना चाहिए किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसी भी बीमारी के लिए जो अगर किसान भाइयों को समझ में, पशु पालकों को समझ में नहीं आ रही है, सर्वप्रथम वह बीमारी के लिए वह किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ऐसे पशु जो गर्मी या उत्तेजना के लक्षण नहीं दिखाते, उन सभी पशुओं का इलाज किया जाना चाहिए। सर्विस या सेवा के दौरान सांड का प्रजनन इतिहास की जानकारी होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। सर्विस या मेटिंग के दौरान या कृत्रिम गर्भाधान के दौरान सावधानियां बरतने से गर्भाशय के संक्रमण को रोका जा सकता है, जो भविष्य में होने वाले बांझपन की समस्या से भी बचाता है। गर्भधारण के दौरान समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेते रहें और जी भविष्य में होने वाली भी समस्या को हम पहले ही से ही रोक सकते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान पशुओं को अनावश्यक तनाव नहीं देना चाहिए और साथ ही साथ परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट भी उनका एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना चाहिए। पशुओं में पर्याप्त व्यायाम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे हस्त पुष्ट बने रहे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एक मुख्य कारण होता है सभी बीमारियों का है, वो है पोषण में कमी। तो पोषक आहार पशुओं में गर्भ अवस्था में आहार एवं पोषक तत्वों जैसे कि खनिज, विटामिन इत्यादि की अधिक आवश्यकता होती है। पोषक आहार देने से न केवल गर्भ धारण करने वाले पशु को स्वास्थ्य लाभ होता है, अपितु जो जन्म देने वाला बच्चा है, जो भ्रूण है, उसको भी सही पोषण मिलता है और वह भविष्य में भी एक प्रोडक्टिव और योग्य पशु के रूप में विकसित होता है और साथ ही साथ उनकी जो यौन चक्र है वो जल्दी ही वापस आ जाती है। जी सर, मतलब आपके अनुसार जो पोषक तत्व हैं या जो पोषक आहार है वो बहुत ही आवश्यक है अगर हमें बांझपन का बचाव करना है। जी, मुख्यतः जो बांझपन के परेशानियां आप देखने जाएंगे फील्ड कंडीशन में, जी उसमें सर पोषक तत्व की बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
तो कोशिश करें, पशुपालक भाइयों से एक निवेदन है कि जैसे भी हो गर्भावस्था में एक दूसरी परेशानी ये हो जाती है कि नॉर्मल रूटीन में तो हमें पोषकता बढ़ानी है, लेकिन जब गर्भ धारण करता है पशु तो उसका एक पेट में एक और पशु पल रहा होता है, तो उसकी पोषक की जो जरूरत है वो और ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमें अधिक ध्यान देना होता है इस चीज पे। जी सर, अब आपने बचाव के बारे में बताया है, तो साथ ही जो बांझपन के उपचार हैं किसान साथियों को, उसके बारे में भी बताइए। अब हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी सर, मतलब बचाव करें तो हमें उपचार की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। तो पड़ेगी। सर, मैंने आपको जैसे बताया कि कभी भी आपको किसी बीमारी का प्रथम संकेत मिलता है तो अगर हमें वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो सर्वप्रथम हम क्या करें कि किसी भी पशु चिकित्सक को संपर्क करें। पहली बात हमारी ये ध्यान में रखें, सभी पशुपालक, किसी भी जी बीमारी के हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं, ऐसी बीमारी में सबसे पहले वे पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कुछ पशु ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में, प्रजनन के में जो अंगों का उपयोग होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। अगर ऐसे पशु हमारे पास हैं और अगर आप उसका बार बार इलाज करा रहे हैं तो इसको, ऐसे पशुओं को इलाज बार बार ना कराएं, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो प्रजनन अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, इसलिए वो प्रजनन नहीं कर सकते। ऐसे पशुओं का एक समूह बनाएं और उनको अपने डेयरी उद्योग से कहीं अलग रखें। फिर साथ ही साथ हम आपको जो फिर मैं बात कहूंगा कि पोषक तत्व पशुओं में पोषक तत्वों की कमी होने पर उचित पोषक आहार प्रदान करना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद कंपनी का एक जनोवा आता है, मिंट्रस, ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे पोषक तत्व की कमी को पशुओं में बढ़ाकर रखते हैं। गर्भाशय के समय संक्रमण से भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। गर्भाशय में अगर संक्रमण रहेगा तो प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे में कुछ दवाइयां जैसे एग्जापार है, वो यूट्राइन क्लीनर है और रीस्टोरेटिव भी है, जो जो भी यूट्रस में जो भी कुछ कचरा जम जाता है, जो भी कुछ इन्फेक्शन संक्रमण रह जाता है वह उसको बाहर फेंक देता है, यूट्रस की जो क्षमता होती है उसको सही लाता है, यूट्रस की जो टोनिसिटी होती है उसको वो मेंटेन करके रखता है। तो एग्जापार जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक दवाई है जिसका अभी हम उपयोग कर सकते हैं अपनी बांझपन पशुओं में दूर करने के। जी सर, सर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप अपने अनुभव के अनुसार अगर हमारे किसान साथियों को कोई एक सुझाव देना चाहें जिससे वो ये जो परेशानियां हैं बांझपन की, इससे वो बच सकें। जैसे कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया कि किसान भाइयों का, अब एक चिकित्सक में और एक किसान में और पशुपालक में नॉलेज का, ज्ञान का फर्क होता है। तो जी सर, सर्वप्रथम अगर अवश्य। जो तो आपको समझ में नहीं आ रही है, सर्वप्रथम उस बीमारी को खुद जानवर पे अपने तरीके से इलाज ना करें, सर्वप्रथम वह किसी योग्य पशु चिकित्सक से उस बीमारी का इलाज कराए, एक चीज तो ये ध्यान में रखें। जी दूसरा जो मैंने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी को आने ही ना दें। बीमारी ना आए तो उसके लिए बचाव के लिए क्या करना है, उसके लिए पोषक तत्व हमें ध्यान में रखने हैं, जो भी हम डाइट पशुओं को दे रहे हैं उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर डाइट प्रॉपर रहेगी तो पशु भी बीमारियों से दूर रहेगा, उसकी दूध देने की क्षमता, उसकी प्रजनन क्षमता, बांझपन, ऐसी चीजें उसमें नहीं होंगी। और जो हमने जी आप कुछ दवाइयां खाई हैं, आप उन पे अगर ध्यान दें तो बांझपन के रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं और हमारे प्रजनन क्षमता पशुओं की बढ़ा सकते हैं। जी सर, आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो पहली बात तो ये आयुर्वेदिक हैं, तो हम हमेशा यह चैनल पर इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में किसानों को बताते हैं, और किसानों को इनसे कई फायदा भी मिला है, तो हम तो हमेशा किसानों को उनकी मदद ही करना चाहते हैं कृषि नेटवर्क के माध्यम से, तो हम हमेशा उनको सलाह देते हैं कि आप आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। धन्यवाद सर, आपने सभी किसान साथियों के सवालों का जवाब बहुत ही सरल तरीके से दिया, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करी, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत दिन शुभ रहे। सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।